आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। सपोज अगर हम लोग बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक जो होता है इसके अंदर तीन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है हमारा कर्क्यूमिन, दूसरा होता है डेसमेथॉक्सी कर्क्यूमिन और थर्ड वन होता है बिस डेसमेथॉक्सी कर्क्यूमिन। तो इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग करके टर्मरिक में से सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग एक कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए एक कॉलम का यूज़ किया जाता है, इस वजह से ये जो टेक्निक है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो हमारी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है या फिर किसी भी टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक होती है हमारी स्टेशनरी फेज, जिसको मैंने यहाँ पे एस पे लिखा हुआ है, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी मोबाइल फेज, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे एम पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो इस टाइप का कॉलम होता है, जो कॉलम होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसलिए इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है पैकिंग ऑफ द कॉलम। ये जो कॉलम है हम लोगों ने देखा, इसको हम लोग सबसे पहले कैसे पैक करते हैं। जो लोअर पोर्शन है, इस पोर्शन में यहाँ पे ग्लास वुल या फिर कॉटन वुल को अप्लाई किया जाता है, और इसके ऊपर ग्लास वुल या फिर जो कॉटन वुल होता है इसके ऊपर हम लोगों को एडजॉर्बेंट फिल करना होता है, ठीक है। ये जो है ये हमारा ग्लास वुल है, और इसके ऊपर वाले पोर्शन पे, ग्लास के ऊपर वाले पोर्शन पे हम लोगों को एडजॉर्बेंट फिल करना होता है, ठीक है। एडजॉर्बेंट जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज है, ठीक है। अगर हम लोग सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ करें हैं, जैसे कि हमारा सिलिका जेल हो गया, तो उस केस में एडजॉर्बेंट हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज को, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होगा सेपरेशन का वो एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग कोई भी अगर लिक्विड यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज, तो उस लिक्विड के केस में जो प्रिंसिपल है सेपरेशन का वो हमारा होगा पार्टीशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ग्लास वुल इंसर्ट किया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे एडजॉर्बेंट को फिल करेंगे। एडजॉर्बेंट यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें स्टेशनरी फेज को एज ए सॉलिड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है उसको हम लोग सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा एडजॉर्बेंट हो गया, ठीक है। और सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है उसको वो लिया जाता है मोस्टली सिलिका, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉटन वुल लगा दिया, कॉटन, उसके बाद में जब हम लोग कॉटन लगा दिया हमने, अब हम लोगों को क्या करना है, कॉलम को पैक करना है, मतलब कि जो स्टेशनरी फेज है उसको कॉलम में डालना है। तो स्टेशनरी फेज को कॉलम में डालने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है हमारी ड्राई पैकिंग टेक्निक और दूसरी जो है वो है वेट पैकिंग टेक्निक, ठीक है। तो ड्राई पैकिंग टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ड्राई एडजॉर्बेंट है, यानी कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है, ठीक है, सबसे पहले वो डालेंगे कॉलम के थ्रू, ठीक है। और स्टेशनरी फेज को डालने के बाद हम लोग ऊपर से स्टेशनरी फेज के ऊपर से कॉलम में डालेंगे सॉल्वेंट, यानी कि मोबाइल फेज जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा स्टेशनरी फेज है और जो मोबाइल फेज है उसको अलग अलग करके डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो एडजॉर्बेंट है और जो सॉल्वेंट है उसके बीच में एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वेट पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो मोबाइल फेज होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सबसे पहले हम लोग उस सॉल्वेंट को मोबाइल फेज को, सॉल्वेंट को ही हम लोग मोबाइल फेज कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम लोग सबसे पहले सॉल्वेंट और एडजॉर्बेंट को मिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है। एडजॉर्बेंट और सॉल्वेंट का एक मिक्सचर बना लेते हैं, और इस मिक्सचर को उसके बाद हम लोग मिक्सचर बनाने के बाद हम लोग कॉलम में डालते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म पैकिंग रहती है और कोई भी एयर बबल्स फॉर्म नहीं होती, इस वजह से काफ़ी अच्छे से हमारा जो सेपरेशन प्रोसेस है वो परफॉर्म हो पाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो स्टेप देखे, सबसे पहले हम लोगों ने ग्लास वुल या फिर कॉटन वुल लगाया, उसके बाद में हम लोगों ने एडजॉर्बेंट यानी कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो फिल किया। अगर हम लोग स्टेशनरी फेज लिक्विड लेते तो उस केस में पार्टीशन का प्रिंसिपल फॉलो होता, ठीक है। हम लोग स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड स्टेशनरी फेज पे जो हमारे सैंपल है वो सैंपल जो है वो एड्जॉर्ब होता है सॉलिड स्टेशनरी फेज पे, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, सॉलिड स्टेशनरी फेज को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने जो हमारा स्टेशनरी फेज था उससे पैक कर दिया कॉलम को, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा जो हमारा सैंपल है जिसका हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, जिसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोगों को सेपरेट करना है, उस सैंपल को लेना है, उसको डिसॉल्व करना है इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज और उसको भी कॉलम में डाल देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास वुल लगाया, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे स्टेशनरी फेज डाला, ठीक है। स्टेशनरी फेज को ड्राई पैकिंग या फिर वेट पैकिंग कोई से भी मेथड से डाल सकते हो। स्टेशनरी फेज डालने के बाद हम लोगों ने हमारा सैंपल लिया, सैंपल को हम लोगों ने क्या किया, सैंपल को हम लोगों ने जो हमारा सॉल्वेंट था उसके साथ मिक्स किया और फिर इसके अंदर डाल दिया, और फिर सॉल्वेंट सैंपल डालने के बाद हम लोग ऊपर से वापस से सॉल्वेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारा जो देखो, हम लोग अगर यहाँ पे स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं, जो एडजॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एडजॉर्बेंट के ऑपोजिट नेचर का हम लोगों को सॉल्वेंट यूज़ करना है। सपोज अगर हम लोग सिलिका की बात करते हैं, तो सिलिका जो होता है, अगर हम लोग सिलिका यूज़ करते हैं तो सिलिका जो होता है वो पोलर होता है नेचर में, ठीक है। तो अगर आप सिलिका यूज़ कर रहे हो तो आपको सॉल्वेंट ऐसा यूज़ करना है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पैकिंग कर ली, सारा काम कर लिया अपना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारा जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम लोगों ने डाला स्टेशनरी फेज, ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों ने डाला स्टेशनरी फेज, फिर उसके बाद मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स था जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स, जो एक बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर था वो डाला है यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारा। तो अब क्या होगा, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। ये डायग्राम है, ये देखो, ये सबसे पहले हम लोगों ने स्टेशनरी फेज डाला, फिर सैंपल डाला जिसका एक्सट्रैक्शन करना है एक्सट्रैक्शन नहीं सॉरी सेपरेशन करना है। उसके बाद में ये जो लोडेड सैंपल था ना, पहले हमारा पर्पल कलर का था, ठीक है। जो कलर था सैंपल का वो पर्पल कलर का था। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो पर्पल कलर है, सपोज़ ये जो पर्पल कलर है, इसके पर्पल कलर वाला जो सैंपल है इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कलर है वो रेड है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा जो रेड वाला है, देखो सबसे पहले एक बात समझो कि हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा जो स्टेशनरी फेज था हम लोगों ने पोलर लिया, ठीक है। अब ये जो सैंपल है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक रेड वाला है एक ब्लू वाला है, तो रेड और ब्लू में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पोलर होगा वो सिलिका के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। क्योंकि पता है हम लोगों को प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, मतलब पोलर जो है वो पोलर में सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलर वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिलिका के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जबकि जो हमारा जो नॉन पोलर वाला है वो जो है वो सिलिका के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है नेचर के अंदर। और वो जो मोबाइल फेज हम लोगों ने लिया था वो भी हमारा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ जो हमारा जो नॉन पोलर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है सैंपल का, वो तो जल्दी इससे मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल जाएगा सबसे पहले बाहर कौन सा आएगा, सबसे पहले बाहर वो सैंपल आएगा जो कि जो स्टेशनरी फेज है उसके ऑपोजिट नेचर का है, ठीक है। तो रेड वाला जो था वो नॉन पोलर था और रेड वाला जो है वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेड वाला सेपरेट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि मोबाइल फेज मैंने बताया था, मोबाइल फेज ऑपोजिट नेचर का हमको लेना है। अगर हम लोग पोलर ले रहे हैं स्टेशनरी फेज, तो हम लोग को नॉन पोलर लेना होता है मोबाइल फेज, ठीक है। तो नॉन पोलर मोबाइल फेज के साथ नॉन पोलर जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था वो जो है वो नॉन पोलर के साथ उसने बॉन्ड बनाया और वो एक्सट्रैक्ट आउट हो गया, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये जो पोलर वाला है जिसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, ठीक है, पोलर वाला जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसने सिलिका के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, उसके सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके सेपरेशन के लिए हम लोग ये जो मोबाइल फेज है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले हमारा जो मोबाइल फेज था वो नॉन पोलर था, ठीक है, अब हम उस मोबाइल फेज को पोलर बना देंगे, ठीक है, ठीक है। या तो हम लोग उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, सपोज़ अगर हम लोगों ने मोबाइल फेज दो कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया है, ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट है एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि पोलर वाले की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम यूज़ की, 10% कॉन्सेंट्रेशन यूज़ की और 90% हम लोगों ने नॉन पोलर यूज़ किया, ठीक है, उससे हमारा मोबाइल फेज बना। तो उस मोबाइल फेज तो हमारा नॉन पोलर वाला सेपरेट हो गया, लेकिन अब पोलर को जब सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पोलर वाला था उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 90% कर देंगे और जो नॉन पोलर वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कर देंगे 10%, ठीक है। या तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं या फिर हमारा जो पूरा का पूरा जो मोबाइल फेज है उसको ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो जो मोबाइल जो हमारा दूसरा वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे ब्लू वाला जो कि पोलर था और सिलिका के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया था जिसने, वो सेपरेट हो जाएगा। और अगर आप चेंज करना था तो चेंज भी कर सकते हो, फिर आप चेंज करके पोलर सॉल्वेंट को यूज़ कर लो उसकी जगह पे, ठीक है, तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और अब ठीक है, ये तो नॉर्मल सेपरेशन प्रोसेस हो गया जब हम लोगों ने सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ किया। अब लिक्विड स्टेशनरी फेज हम लोग यूज़ करते तो क्या होता, सपोज़ यहाँ पे ये जो वाइट वाला पोर्शन है, अगर आप इसको लिक्विड स्टेशनरी फेज मान रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है अगर आप इसको लिक्विड स्टेशनरी फेज मानते हो, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी सेम यही वाली कहानी होगी, लेकिन यहाँ पे सॉलिड के केस में क्या हुआ था कि जो सैंपल है वो एड्जॉर्ब हुआ था सिलिका के सरफेस पे, ठीक है। और लिक्विड वाले में क्या होगा कि जो पार्टीशन होगा, मतलब जो लिक्विड का जो पोर्शन है जो कि हमारे सैंपल जो है वो सॉल्यूबल है जो लिक्विड पोर्शन में, वो तो लिक्विड के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जबकि ऐसा पोर्शन जो सॉल्यूबल नहीं है वो जल्दी से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड के केस में पार्टीशन वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है।
ये इतना सा हमारा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पूरा प्रोसेस। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया था कि दो फेजेस होती हैं, एक होती है हमारी स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है हमारी मोबाइल फेज। जब हम लोग सॉलिड को यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज तो उसको हम लोग वहाँ पे एडसॉर्प्शन का प्रिंसिपल फॉलो होता है, जब हम लोग लिक्विड को यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज तो वहाँ पे पार्टीशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग सॉलिड यूज़ करते हैं और एडसॉर्प्शन का प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसको डिसॉल्व करना होता है मोबाइल फेज में और उसको ऐड कर दो कॉलम में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉटन डाला, कॉटन डालने के बाद हम लोगों ने हमारा जो स्टेशनरी फेज था वो डाला और स्टेशनरी फेज डालने के बाद हम लोगों ने सैंपल जो है उसको डिसॉल्व किया मोबाइल फेज के साथ और उसको कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट है, एक 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 कॉन्स्टेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा डिफरेंट रेट्स के साथ, ठीक है। अगर जो रेट है वो डिपेंड करती है एफिनिटी, जो सैंपल की एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के साथ उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जिसकी लेस एफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के साथ तो वो जल्दी मूव करेगा और जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है तो वो थोड़े टाइम बाद यानी कि बाद में सेपरेट आउट होगा, ठीक है। एफिनिटी मतलब जैसे हमारा स्टेशनरी फेज है तो अगर हमारा जो सैंपल है उसका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट, सपोज हमारा एक सैंपल है इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। एक जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो पोलर है और दूसरा वाला जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। और हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर है तो क्या होगा कि उस जो सैंपल है उसमें से जो एक्टिव कॉन्स्टेंट होगा ना वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है। स्टेशनरी फेज के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इस वजह से उसका जो सेपरेशन है वो बाद में होगा। और बाद में कैसे होगा ये मैंने बताया कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, या तो हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी या फिर हम लोग पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है वो ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो स्टेशनरी फेज है उसका एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल साइज होना चाहिए और वो जो है वो इनर्ट होना चाहिए सॉल्यूट के साथ और दूसरे कंपाउंड्स के साथ, यानी कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो हमारा जो सॉल्यूट है यानी कि जो हम सैंपल सेपरेट आउट कर रहे हैं उसके साथ इनर्ट होना चाहिए, उसके साथ कोई भी ऐसा होना चाहिए जो कि सॉल्यूट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे और ना ही किसी और कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन फॉर्म करे, ठीक है। मोबाइल फेज की प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए कि मोबाइल फेज जो होती है वो फ्रीली फ्लो करनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, अनएक्सपेंसिव होनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स को सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट मतलब जो हम लोग स्टेशनरी फेज को सॉलिड को एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं तो उस सॉलिड को हम लोग एडसॉर्बेंट बोलते हैं, फिर उस स्टेशनरी फेज को हम लोग एडसॉर्बेंट बोलते हैं। वीक एडसॉर्बेंट एग्जांपल है टॉल्क, सुक्रोज और स्टार्च। मीडियम एडसॉर्बेंट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडसॉर्बेंट एग्जांपल है एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिव वेट चारकोल, फिलर्स अर्थ और सिलिका, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल फेज जो है, मैंने बताया कि मोबाइल फेज हम लोग कोई एक कंपाउंड को एज अ मोबाइल फेज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग एक से ज़्यादा कंपाउंड का मिक्सचर भी एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉलम जो है वो न्यूट्रल ग्लास से बना हुआ होना चाहिए और उस पर एसिड, अल्कलाई, स्टेशनरी फेज या फिर मोबाइल फेज का किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग मैंने आपको समझा दी, पैकिंग कैसे करते हैं हम लोग, सैंपल इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया, इल्यूशन मतलब जो सेपरेट आउट करने का प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से किसी भी जो किसी भी सैंपल से एक्टिव कॉन्स्टेंट को सेपरेट आउट करने का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज, इसी प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन जो होता है वो आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट दो टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था कि आइसोक्रेटिकली हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा सैंपल है उसके लिए हम लोग एक सिंगल कॉम्पोजिशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पूरे हम लोगों ने जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सपोज दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो दोनों एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोगों ने एक सिंगल कॉम्पोजिशन से मोबाइल फेज के सिंगल कॉम्पोजिशन से हम लोगों ने दोनों एक्टिव कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लिया, ठीक है। जबकि दूसरा जो है वो ग्रेडेड एल्यूशन है, इस केस में क्या होता है कि मोबाइल फेज का जो कॉम्पोजिशन होता है वो हम लोग को चेंज करना पड़ता है सेपरेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मोबाइल फेज कॉम्बिनेशन, ये पहले मैंने बताया था कि सपोज हम लोगों ने कोई भी सॉल्वेंट प्रिपरेशन बनाया, ठीक है, मोबाइल फेज प्रिपरेशन बनाया, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि दो कंपाउंड्स यूज़ किए, एक जो था हमारा पोलर था और एक नॉन पोलर था, तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने नॉन पोलर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ली और पोलर की कॉन्सेंट्रेशन कम ली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडिएंट इल्यूशन में जो हमारा पोलर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बढ़ा देंगे और जो हमारा नॉन पोलर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेडिएंट इल्यूशन, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। एक और बात तो मैं मिस कर गई कि यहाँ पे ये जो पंप होता है ना, इसको ओपन करके हम लोग ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनको सेपरेट करते हैं इस कॉलम से, इसको ओपन करते हैं हम लोग और फिर इस कॉलम के थ्रू ये जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ जो हमारा एक कॉन्स्टेंट है वो सेपरेट हो जाता है और इसमें आ जाता है, ठीक है।